और सर आज ऐसा नहीं लग रहा कि चीन जिस तरह से जा रहा है, चीन जिस तरह से जा रहा है चाइना, वो पाकिस्तान से डेंजर हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? जिस तरह से नेपाल में सब हो रहा है, देखो ये चीजें होती रहेंगी, अपना लीडर मजबूत चाहिए। वो क्या हो रहा है, क्या साझे रहेंगे, साथ से चलती रहेंगी, अपने देश का लीडर मजबूत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नौबत आएगी तो लड़ने के लिए तैयार खड़े। अब वो उसके साथ कर रहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सवाल है, आप अपनी धरती की रक्षा करने वाला मजबूत होना चाहिए, वो मोदी है, वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। लेकिन आज के दिन में सब ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी अभी वीक हो रहा है, मोदी जी वीक हो रहा है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक। देखो मेरी बात, मोदी अगर वीक होता है तो मातृभूमि वीक होती है, याद रखिएगा। अगर मोदी, नरेंद्र मोदी वीक होता है तो देश कमजोर होता है। उसका कारण कि मोदी जी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका देश इंटरेस्ट है। मैं मोदी जी को बीजेपी का लीडर नहीं मानता हूँ। मैं मोदी जी को, मैं कोई ये नहीं मानता हूँ कि मैं मोदी जी को मिलना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा, मैं मिलना ही नहीं चाहता, मुझे शौक ही नहीं है। मैं तो उसकी पॉलिसी का समर्थक हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी, नोटबंदी की पॉलिसी, इकोनॉमिक टेररिज्म की पॉलिसी, नक्सलाइटों के खिलाफ पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में पत्थर लगते थे वो पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे की बजाय पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते थे, वो पॉलिसी को समाप्त किया, वहाँ के अलगवादी नेताओं को लदेड़ खदेड़ कर दिया। हम उसके पॉलिसी के साथ हैं, उसका हर एक शब्द, हर एक काम राष्ट्रहित में है। वो सीधा करते करते वो उल्टा हो जाए तो हम उसको दोष नहीं दे सकते, उसका सहयोग देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को ठीक कर रहा है, बराबर एक नया माहौल बना रहा है। अच्छा, वो क्लीन कर रहा है, मतलब क्लीनिंग हो रहा है पूरा सोशल को। हम पॉलिटिशियनों की तो ट्रेनिंग ही नहीं, कल मैं वहाँ बोल के आया, स्वामी जी बच्चों की ट्रेनिंग लगाते हो, हम पॉलिटिशियनों का भी ट्रेनिंग कैंप लगा दो। अच्छा सर, अभी जिस तरह से मोदी के आए और अफगान के साथ सबसे पहले स्टेप लिया उसने, अफगानिस्तान से अपना दोस्ती बढ़ा दिया, कितने मोदी जी ने कितने जैसे मतलब अफगानिस्तान से प्रेसिडेंट कर जाए, अफगानिस्तान की दोस्ती से आपको क्या लग रहा है? अफगानिस्तान ना, अफगानिस्तान से पहले भी दोस्ती था, जो पहली हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी थी वही नरेंद्र मोदी जी ने अडॉप्ट की, पाकिस्तान के खिलाफ रुख सख्त किया है। पहले गोली चलती थी पाकिस्तान से, हम फौज के जवानों को कहते थे जवाब मत देना, रुको, शाम को खाना क्या खाया है, यहाँ से पीएम उस पीएम को पूछता था। अब क्या है, अब एक गोली का, एक गोली चलाओगे 100 गोली का जवाब ठोक के देंगे, वो जवाब दिया जा रहा है। हमारे 18 जवान शहीद होते हैं और नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर वहाँ जा करके उनके घुस करके उनके 45 आतंकवादियों को ठोक के आते हैं। तो फिर हम नरेंद्र मोदी की तारीफ ना करें तो क्या करें, क्या नवाज शरीफ की तारीफ करें या मुशर्रफ की तारीफ करें? सर वहाँ ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान ने अभी कंट्रोल सब टेररिस्ट के हाथ में चला गया है, वो सब कठपुतली होगी वहाँ की, जो पॉलिटिक्स जो है प्राइम मिनिस्टर सब मिला। पाकिस्तान अपना मुल्क है ही नहीं, वो ISI फौज चलाती है, ना प्रधानमंत्री के कुछ पास है ना किसी मंत्री के पास है, उसको तो ISI चलाती है, जो ISI चाहेगी वो पाकिस्तान करता है, वो फौज करती है, वही आतंकवादी करते हैं। ये आतंकवादी थोड़े हैं, ये तो ISI के एजेंटेंट को मंथली मिलती है कि भारत को बर्बाद करना है, आतंकवाद के अड्डे खोलने हैं, ये ISI का काम है। पंजाब में जो स्थिति है अभी आपको क्या लग रहा है? पंजाब हमारे नॉर्मल अमन शांति है, कोई ऐसी बात नहीं। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होगा पंजाब में तो क्या होगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आम पार्टी किसका वोट बैंक तोड़ती है? अच्छा, आम पार्टी वोट बैंक कांग्रेस का तोड़ती है या अकाली BJP का तोड़ती है, जिसका वोट बैंक ज्यादा तोड़ देगी वो दूसरे को फायदा होगा। तो पंजाब में अभी जरूरत है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि पंजाब में एक सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए या चेंज होना चाहिए? आपकी मैं किसी की सरकार के बारे में नहीं कह सकता होनी चाहिए ना होनी चाहिए,
जो भी सरकार हो अच्छी हो जो देश हित में काम करे, क्योंकि पंजाब में अभी सब बोल रहे हैं कि सब ड्रग्स के इतना छदा हो गया। नहीं, वो हमें बदनाम किया जाता है। अच्छा, तो ऐसे बोल रहे हैं कि पंजाब में हर गली में हर लड़का भी जैसे ड्रग ले रहा है ऐसे सब बात हो रही है। हमें बदनाम किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स उसको वहां से पकड़ा जाता है, मतलब पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं अपने कमजोर पर अपनी रस रखे कि पंजाबी उसकी पाकिस्तान की कोशिश रहती है, उसको ठीक कौन करेगा? भगवान आके तो ठीक नहीं करेगा। हम पॉलिटिशियन हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम वोट लेते हैं, हम सत्ता हासिल करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, ये जिम्मेदारी उसको ठीक, अगर कुछ है भी इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? हमारी नहीं है क्या? हम लूटेंगे, हम सत्ता में रहेंगे, हम नेता बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, और ये सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे पंजाब में ड्रग है, पंजाब में सब लोग नशेड़ी हैं, पंजाब में सब लोग नशा करते हैं, तो उसको ठीक कौन करेगा? हम करेंगे ना, तो जिम्मेदार तो हमें, हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते? हमारी क्या, हमने हमने सुनने और कहने का ठेका ले रखा है, हम करते क्यों नहीं है? अगर वोट के लिए इतनी कोशिश करते हैं तो इसके लिए भी कोशिश करें। अच्छा, काश्मीर जो स्थिति है वहाँ सब बोल रहे कि वहाँ की पुलिस भी अपनी नहीं रहेगी, ऐसी जो स्थिति हो रही है खास करके जो कीन एरिया। देखो, जो अभी नरेंद्र मोदी जी की नई पॉलिसी है उस मुताबिक कश्मीर में पत्थर चलने बंद हुए हैं, कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने बंद हुए हैं, कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराने बंद हुए हैं, कश्मीर में गोली आतंकवादियों की तरफ से कम है, बॉर्डर पे सीमा के ऊपर फौज का जवाब दे रहा है। अभी अपनी जो जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति देखा जाए, कांग्रेस इतना वीक क्यों लग रहा है आपको? आपने बहुत नजदीक से सब लोगों को देखा है, देखो इंदिरा जी को भी देखा है। लोग इस मुल्क के अंदर आम आदमी अपने मातृभूमि से प्यार करता है, वंदे मातरम से प्यार करता है, सेक्युलरिज्म से प्यार करता है। कांग्रेस का नारा था वंदे मातरम भारत मां की जाए। हम जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कांग्रेसी हैं, 7 साल की उम्र के कांग्रेसी हैं, जिंदगी बम्बों गोलियों से अस्पतालों से गुजर गई, छोटे बच्चे थे आज बड़े हुए। हमारे अंदर हृदय में जब भी सुबह शाम कभी भी सुनोगे को गुड मॉर्निंग कहता है, हम कहते हैं वंदे मातरम, को सत श्री अकाल कहता है, हम तब भी कहते हैं वंदे मातरम। भारत धर्म हमारा भारत माँ है, जात हमारी वंदे मातरम है, भारत माँ से जन्म लेते हैं और मरते वक्त हम कहते हैं वंदे मातरम, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस बुरी पार्टी नहीं, कांग्रेस हमारी माँ है, जो नेताओं ने वहाँ पे स्थिति बना दी कि वंदे मातरम भारत माँ का नारा हमने बीजेपी आरएसएस को दे दिया और हमने गुड मॉर्निंग गुड नाइट हाय होए हेलो कैसे हो हमने वो पकड़ लिया, ये सबसे बड़ी समस्या। सर, आज ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया आपको तो, मतलब पॉलिटिक्स की ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई पार्टी रूलिंग ना हो, ये अपनी अपनी पार्टियाँ अच्छे काम करें, मेहनत करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, आज हर व्यक्ति पत्रकार बन चुका है मोबाइल के अंदर, तो लोग हमें वाच करते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम अपनी छवि सुधारें। पहले वाला काम नहीं रहा कि हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। खास करके पर्सनल आपके ऊपर बहुत से अटैक हुए, पर्सनल आपके ऊपर बहुत से अटैक हुए, थोड़ा आपकी जगह दूसरे होते तो शायद घर पकड़ के आप मतलब किले में कैद हो जाते। देखो, एक बात याद रख, जो जीवन भगवान ने दिया है लेके भी उसने जाना है, ये आतंकवाद खिलाफ लड़ने की शक्ति भगवान ने दी है और बोलने की ताकत सरस्वती माँ ने दी है। हम तो अपने हैं ही नहीं, हम तो मातृभूमि के लिए हैं और भगवान के चरणों में हैं, रखा है तो उसकी कृपा है, जब ले जाना है भगवान ले जाएगा, अपन है कौन, हमारे तो एक नस भी को दबेगी। जी सर, आपको जिस तरह से आपकी थोड़ी कम पास्ट मेमोरी में चला जाए तो आपको उस टाइम की सिचुएशन क्या लग रही है? जिस तरह 2-3 बार आपके ऊपर बड़ा हमला हुआ, 2-3 बार नहीं 14 बार हमले हुए, जैसे जैसे बम चलते गए गोलियां चलती गई, वो निकलता रहा अंदर से सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद हुए कातिल में है। तो ये सब भगवान की कृपा है, वही कृपा करता है कि हम बोलते हैं, हम लड़ते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम आगे बम्बों के आगे गोलियों के खड़े हो जाते हैं, कृपा उसी की, हम है क्या? अगर मैं कहूँ मैं ये हूँ, मेरा शरीर तो मेरा है ही नहीं,
ये तो भगवान का दिया हुआ है, वही शक्ति। अभी ऐसा आपने मतलब लोग साधु संत ये सब देखते हैं, आपने बहुत नजदीक से सब देख लिया कि गोल्ड मतलब भगवान को मतलब सबसे ज्यादा क्लोज, क्योंकि देखो जी मैं एक बात हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी जो देखता हूँ, प्रवचनकारी भी बड़े बड़े देखे, कई अच्छे भी हैं, कई ओझा जी महाराज हैं, यह गुजरात के मुरारी बाबू जी हैं, अच्छे प्रवचनकारी हैं जिनके ऊपर कोई उंगल नहीं उठा सकता, ठीक है ना। प्रवचनकारी भी देखे, इतिहासकार भी देखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील भी देखे, बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी मैंने देख लिए बड़े बड़े, पर उनको तीन चीजें याद नहीं है, मातृभूमि, वो भगवान के पास भी जाते हैं मतलब से जाते हैं, और मौत। मुझे तीन चीजें याद है, मातृभूमि एक नंबर, दो नंबर पे मतलब के बगैर भगवान, और तीसरा मौत, वो तो एक दिन कहानी है, कहानी खत्म। इस चक्कर में कौन सा एमपी बने, कौन सा राज्यसभा ले, कौन सा सीएम बने, जो दिया है उसी को ही हम संभाल ले, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। स्वार्थ जहाँ आ गया, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब मैं मंत्री बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर तो गया काम। केजरीवाल ने वो स्टार्टिंग में लगा था, जैसे अन्ना हजारे वो सब जैसा लग रहा था, जैसा लगा पॉइंट। देखो ऐसा था, ये हिंदुस्तान के लोग भावुक हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में भावुक हो जाते हैं, ये वंदे मातरम पे भावुक हो जाते हैं, ये भारत माँ की जय पे भावुक हो जाते हैं। हो सकता है उस वक्त मैं भी भावुक हो गया हूँ, भारत माँ के नाम के ऊपर तिरंगा झंडा हिल रहा था, उनके नाम के ऊपर हुआ क्या। ये आंदोलनकारी थे, एक आंदोलनकारी थे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जब फांसी के फंदे को चूमने जाते थे कहते थे वंदे मातरम वंदे मातरम, फांसी का रास्ता खिंच जाता था। एक ये आज के आंदोलनकारी, जैसे जैसे मौत आई जूस पीने लग, कहते जूस पिलाओ जूस पिलाओ, मरण वर्त रखा था लोकपाल बिल के लिए, मौत आने लगी जैसे जूस आने लगा कहते वंदे मातरम वंदे मातरम, जूस पिया वंदे मातरम, लोगों की भावनाओं के साथ धोखा कर दिया। एक केजरीवाल कुर्सी सता संभाल गया और अन्ना हजारे गांधीवादी उसको धोखा दे के रास्ता में भेज दिया, और सता कुर्सी का नजारा ले रहे हैं, लोग भावुक हो गए, वंदे मातरम भारत माता की जय, बिक गई बिक गई, तिरंगा झंडा भी बिक गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कैप्टन, थैंक यू मैं।